बिस्मिल्लामदिल्ला वसला रसूल वाला वसावी अजमाइन अम्माबाद फरोजब्लानी बसमिल्लाम रबली सदरी वसिलोडर आज मेरी खुशकस्मती के मेरे साथ आज बड़े मौजूद हैं माशा और सबसे पहले मेरे सामने कैसे हैं नाम ही अलीवी यार बस यार। ये मशहूर हो जाए बल्कि मशहूर हो जाएगर तो है यही ब्लॉगर है महंगाई एंजॉय कर रहे हैं बात करेंगे अच्छा मेरे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे तोाह जलील मौजूद है कैसे हैं करी से <laughs> माशाल्लाह आज मैंने ऐसा कमाल किया कि मैंने कहा कि चलो डब्ल्यू एन ई एस एन एल और एम ए पॉडकास्ट तीनों को हम <laughs> मर्ज <laughs> कर दिया <दी। laughs> <कर> <laughs> तो आज मर्ज कर दिया और <laughs> इसी के साथ ही हमारे यूजर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आज मोहम्मद अली भाई ऑल द वे फ्रॉम लाहौर मौजूद अली भाई कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू हैव यू इन इस्लामाबाद सेम हियर सेम अच्छा लोग शायद सोच रहे हो यार ये सारे कैसे आज इकट्ठे हो गए उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूर स्टार्ट होने वाला है हैव बीन लिविंग अंडर जो है, 2021 yes, स्टार्ट होने वाला है और एक गुड uh, न्यूज तो यह टूर स्टार्ट होने वाला एंड विल ऑल ओवर पाकिस्तान को हमारा प्रोमो वीडियो पसंद आया होगा की जो प्रोडक्शन थी वो पसंद आई होगी और उसके लिए क्रेडिट जाता है अली

100 बंदे का नाम आता है ना, ना तो वो बंदा कहता है यार मूवी टोटल फ्लॉप थी लेकिन फिर भी दो सौ बंदे ने बेस्ड तो, तो uh, जिसमें हम अच्छे एथिकल मॉरल वैल्यूज दें तो डू द कमेंट सेक्शन एंड हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू गाइस अच्छा आज का जो uh, uh, मकसद था आपको बताने का वो तो ये भी था कि हमारा मैंने कहा था गुड न्यूज तो यह हम टूर पे जा रहे हैं कि सैटरडे नाइट लाइफ डब्ल्यू एन ई एंड बाकी जो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं वो एक महीने के लिए उसकी लगेंगी जनाबे वाला ब्रेकें ठीक है नहीं। तो आज का जो सेशन है वो मेरा तो सेकंड लास्ट है तो जब जो को सेशन होगा है, वो मेरा आखिरी होगा इन बट उसके बाद फिर हम तकरीबन महीने डेढ़ की छुट्टी लेंगे बरा मेहरबानी लेकिन लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ऑनलाइन नहीं होंगे इसका मतलब यह है कि हमारे <laughs> बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी <laughs> जो कि लेक्चर्स टॉक्स वर्कशॉप हैं कहीं कहीं रैंडमली जो है ना हम लोग लाइव जा रहे होंगे कहीं पे हमारी वीडियो आ रही होंगी तो हमारी मीडिया टीम जो है वो टोटली काम कर रही होगी बी वर्किंग डे डे एंड नाइट कह रहे थे ना कि कोई बैड न्यूज भी है तो मुझे लगा शायद आप कहने लगे कि हम वॉक टूर पे तो जा रहे हैं तो ये मतलब हाँ ये बात वाकई में दुरुस्त है की हम लोग गाड़ियाँ इतनी ज्यादा है और साथ जो है वो हमारा पूरा एक कारवां है जो रवाना होगा और इट्स वेरी एक्साइटिंग हम लोग ये साल में एक दफा जरूर करते हैं ट्रिप जो है इसका मकसद ही होता है जितने भी एवेन्यूज है बहुत से लोग हमें ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो हमें ऑन साइट भी देखें yes. हम लो पे जाएं, वहां पे लोग डिफरेंट जगहों पर जाए वहाँ इंटरेक्ट करें मीटअप्स डिफरेंट एक्टिविटीज बल्कि मैं तो था कि SNL, WNE, में पॉडकास्ट लाइव हो रहे होंगे आपके अपने शहरों oh, yes. में बिल्कुल और वहीं पर हम आपके सामने बैठे होंगे और वहाँ पर बात करेंगे <coughs> तो जो हमारी आवाम का समुद्र जो जो इंडिया में बैठे होंगे क्या करना है तो वो इन वेट करें ट्वेंटी पहुंचे अच्छा सो एनी आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली है की आप लोगों ने घबराना नहीं है

गलियात में समोसे बेच रहे हैं ना फॉर एग्जांपल ठीक है ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ गलियात की एग्जांपल क्यों <laughs> <laughs> है इसलिए इसलिए देखिए क्योंकि मुझे फ्रेश एग्जांपल है सर वो <laughs> सुन ले ना सुन ले बात ये है कि <laughs> मैं आई थिंक नतिया गली में जे. कहीं समोसे लेने के लिए रुका समथिंग लाइक दिस तो वो समोसे पकौड़ों का कुछ सीन था अंडे वाले पकौड़े थे कहते नहीं है तो कुछ रुके तो जब उसने प्राइस पूछी तो उसने बहुत सी प्राइस बताई तो मैंने कहा पता नहीं ये शक्ल देख के प्राइस लगा रहा है क्या करना तो तो क्या बात हो तो डॉलर महंगा हो गया डॉलर महंगा हो क्यों महंगे हो रहे हैं हम भी तो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं गाड़ियां जो है क्योंकि ऑफ इंटरकनेक्टेड राइट मतलब डॉलर भी कनेक्टेड है फ्यूल अब देखें जो फ्यूल बंदा इस्तेमाल

थिंग इज कि एक मुसलमान का एटीट्यूड क्या होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल सर्कमान इस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं hmm. Hmm. कि चाहे चलो मतलब कोरोना आ गया hmm. महंगाई हो गई और कोई चीज आ गई जो अकॉर्डिंग टू स्टीवन कवि वो कहते ना कि which are outside your circle of influence. सही वो चीजें जो आपके दायरा इख्तियार से बाहर हैं क्या उस पे टेंशन लेना बनता है Uh, सबसे पहले जहां पर बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया आपने पीपल लाइक टू हियर फ्रॉम अस मुझे ना बड़े लोग कहते हैं कि आप लोग इन करंट अफेयर्स पे पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं बोलते क्या इस्लाम सिर्फ करेक्टर <coughs> बिल्डिंग का नाम है ये वो बट जस्ट वन कि हम इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है बिकॉज इकॉनमी ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आ, भी और भी। इस वक्त क्या चल रहा है क्या कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है वो जाहिर है कि हमारी इस पर स्टडी नहीं है हुँ. तो डिस्कलेमर ये कि ये कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है दूसरा ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है मैं कोई नसीहत करूंगा कोई अच्छी बात कोई पॉजिटिव बात कर दूंगा तो लोग कहेंगे जी पीटीआई का सपोर्टर सपोर्टर <laughs> लोग कहेंगे जी है तो, तो लोगों के ना जज्बात बड़े अजीब और बड़ा सा ना है। दबे में आपको डालना चाहते हैं कि एक्जैक्टली तो बस यही है कि कुछ जनरल बातें अभी सबसे पहले तो जो कमेंट्स देखने को मिलते हैं ना टू बिगिन विद मतलब मुझे लगता है कि हम लोग भूल चुके हैं कि अल्लाह ने हमें पूछना है जो बदतमीजियां जो गाली गलोच जो इल्जाम हैं, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के हवाले से हर जगह पॉलिटिक्स हो रिलीजन का कोई इशू खड़ा हो जाए कोई और जनरल इशू खड़ा हो जाए तो पीपल थिंक कि सोशल मीडिया पे आके वो कोई भी राय दे सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी बैश कर सकते हैं बोल नहीं सकते छुप के जो मर्जी बोलते रहे अभी क्रिकेट की बात आप लेस पी एन क्रिकेट फॉलो करते इंडियन पाकिस्तानी जिस तरह लगे होते हैं एक दूसरे को वो वहां से ताना आ रहा होता है पाकिस्तान यहाँ से ताना दे रहे होते हैं फिर वो हेटेड में कन्वर्ट हो जाता है आई माई सेल्फ सो कि वो रिलीजन पे आ गए इंडियंस, रिलीजन पे अटैक करने लग गए तुम टेररिस्ट हो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ये है और वो है hmm. तो पहली तो बात ये जो बदतमीजी खड़ा हुआ है ये क्यों मचा रहा है मेरे नजदीक के हो सकता है कि कभी मसला इतना बड़ा ना हो मैं ये नहीं कह रहा महंगाई नहीं है लेकिन ये कमेंट्स की वजह से वो कल्चर ऐसा बन जाता है कि हर बंदा कंप्लेनिंग और हर बंदा बदतमीजी पे उतर आता है ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मुझे तो ये केस बड़ा अपसेट कर रहा है फिलहाल बाकी इसमें कोई शक नहीं महंगाई हुई है मुझे परसों लगा वन पे पेट्रोल जा रहा है तो कभी कभी शायद हम नहीं नोटिस करते बट गरीब आदमी उसके लिए इट्स टू मच रोटी महंगी हो रही है सब कुछ महंगा हो रहा है तो मेरी तो इस पर ही रहे कि क्यों पहले जो है ना इसके बारे में कोई नसीहत जो है हम करें ऑडियंस को

जिसके साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस गुजरा था तो फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं मैं अगर लेट्स सपोज के एक, आ, आ, क्रिकेट का कोच हूं ठीक है अब मेरी टीम में दो बंदे आ गए एक वो है जो मुझे याद करा रहा है उस लूजरली किस्म के लड़के की जो कि ना अच्छा प्लेयर नहीं था मेरे साथ और मुझे उसकी शक्ल से वो याद आ रहा है या उसकी बॉडी टाइप से ही वो याद आ रहा है और दूसरा बंदा वो है जो मुझे अपनी टीम का स्टार याद आ रहा है जो मेरे बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था तो अब हो ही मैं ना उस बंदे को मतलब सबकॉन्शियसली उसी तरह ट्रीट कर रहा हूं जिस तरह मैं उसको ट्रीट करता था वो जो मेरा पुराना दोस्त quote quote mm -hmm. हुआ करता था mm -hmm. कि मैं उसको ना समझता हूं ये लूजर ही हालांकि उसके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो जो बंदा जिसको मैंने आउटवर्डली जज कर दिया कि बड़ा पॉजिटिव है sure. उसके साथ मैं पॉजिटिव कर रहा हूं तो होता पता है क्या है जिसके साथ मैं पॉजिटिवली कर रहा हूं अगर ये पॉजिटिव वाला जिसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा हूं ये अगर कोई गलती करता है मैं कहता हूं कोई बात नहीं यार यू कैन डू इट आई बिलीव इन यू आई बिलीव इन यू योर ग्रेट हालांकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कहूँ की यूर ग्रेट दूसरा बंदा जो है जिसको मैं बिलिटल कर रहा हूं उसकी गलतियों को मैं उसको लताड़ देता हूं आपकी रियलिटी बन जाता है सही आप जब हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हो ना मतलब मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि आ, कोई भी टॉपिक हो चाहे वो क्रिकेट टीम को बैश करना हो या पॉलिटिक्स के बारे में करना हो या कोई भी बंदा एक्सपर्ट बन जाता है तो होता क्या है कि वो अपने दिमाग में पहले से जिसको हम बदजन होना कहते हैं वो जब डाल देते हैं ना तो फिर उसको हर चीज उसी लेंस में नजर आती है आप एक बार मिस्टर नेगेटिव को चला देना चाबी दे दें इसको एक दफा फिर ये हर चीज आपको गलत नजर आती है तो यार ये भी, है, ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो आप देखो यार एक सेकेंड ठीक है हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट अबाउट दैट हम कोई किसी uh, यूटोपिया में नहीं बैठे हुए ना हम ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट पर हम कहते हैं यार देखो एवरी टाइम समथिंग बैड हैपन्स यू कैन ऑलवेज लुक एट द सिल्वर लाइनिंग यू कैन ऑलवेज लुक एट वट इज पॉजिटिव इन दिस इवन जब कोविड भी आया तब भी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स की डिफरेंट प्रोग्राम्स की हमने बात की क्योंकि वट इज द ब्राइट साइड ऑफ कोविड और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया मैंने कहा कि देखो मुझे तो सबसे बड़ा ब्राइट साइड ये लगा कि आई एम गेटिंग अ चांस

ये हमारी कौम की ना आदत बन चुकी है वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं जैसे दे नो व्हाट्स इनसाइड हार्ट ऑफ अदर पर्सन कि ये ये ऐसा ही है मैं कह रहा हूं तो ये ऐसा है साइडन को उठा लें पॉलिटिक्स को उठा लें और मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं वही आना बंद होगी लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ से नीयतें पता लग रही ये मिजाज बन चुका है हमारे लोगों का नीयतों पर शक करना इल्जाम लगाना इसकी वजह से हम समझते हैं अगर अल्लाह नाराज नहीं है हमसे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और ये कि आपने जो ना शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है कि आपको बताएं कि जी, जी महंगाई क्यों ऊपर हुई है और क्या उसके वो चीजें क्योंकि असल में होता क्या कि हर बंदा वैसे तबसरे करने पर हर बंदा एक्सपर्ट होता है यानी अगर क्रिकेट का मैच भी है ना मैं भाई को जानता था जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला <laughs> जिंदगी में कभी नहीं खेला मतलब ही वाज वेरी मच मतलब मैं नहीं खेलना चाहता मैं बस अपने मतलब मतलब दुनिया में लेकिन ही लव्ड टू वॉच क्रिकेट सही एंड ही वाज द फर्स्ट वन उनके साथ आप कभी यार बैठ के मैच देखे ना मैं अपने दौरे जा रही की बात कर रहा हूँ ही वाज द फर्स्ट वन जो इतने तमसीर करते थे और यानी

और नीयत पे तो शक भी मतलब उसमें जैसे में बड़ी अच्छी बात उसामा बिन जैद जो के नबी के बड़े करीबी सहाबी हैं बड़े लाडले हैं ठीक है जब अली बिन अबी तालिब और हजरत माविया की आपस में जंग हो गई तो उसमें उसामा बिन जैद बिल्कुल खामोश होके बैठ गए तो हजरत अली ने इमाम महसन हुसैन को भेजा जाके

जो इवन देखिए मैं और आप ये जंग में हो ना एक बंदा जो गिर गया और पढ़ता है, ला है ला। हमें मतलब की ये होता है कि ये बंदा इसलिए पढ़ा बिल्कुल लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं तुमने नियत तो को तुम हाल नहीं जानते हो रही है जी वैसे तो मतलब के बारे में ये कहा जा सकता है ना कि आपको किसी बंदे की नियत नहीं पता तो ये आप जब आप एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो दैट्स एक्चुअली इज कॉल्ड जजिंग ये नहीं होता कि आप अपेरेंटली एक एक्शन देख रहे हैं उसको तो आप जाहिर वही कहेंगे ना जो कि वो आपको लग रहा है हाँ, अच्छा हाँ, अब हाँ, इसमें जी अच्छा इसमें मैं, मैं कहना चाहता था कि जो हमारा अभी जो स्टेट बन चुकी है जिस तरह आपने कहा ना कि ये लोग मतलब तो तो ये जो जजमेंट हो रही है सब कुछ हो रही है एक्चुअली बैक बाइटिंग के एक जुमरे में आता है कि आप एक बंदे के बारे में ये बातें कर रहे हैं और अक्सर लोग हो सकते हैं कि नहीं जी मैं तो बैक बैटिंग नहीं कर रहा मैं तो खुल्लम खुल्ला टीवी पे बोल रहा हूँ वो बंदा mm -hmm. सुन सकता है मेरी बात mm -hmm. बात यह mm -hmm. को इंसल्ट कर रहे हैं yeah. क्या मुसलमान को इंसल्ट करना ठीक है देखो अगर आप बाकी में किसी के साथ खैर हो ना तो उसके साथ बात करनी चाहिए अगर आप किसी को किसी की सलाह करना चाहते हो आपको राइट पर्सन से बात करनी चाहिए मैं और आप बैठ के किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि भी हम क्यों कर रहे हैं उसकी वजह क्या है और अगर उससे किसी की अगर उस बंदे की इसलाह करना चाहते हैं उसका फिर मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा राइट अच्छा इसी के साथ साथ हो ही रहा है कि बिकॉज अब ये चीजें तबसरे के ऊपर प्रोग्राम हो रहे है। अच्छा प्रोग्राम के ऊपर भी हो रहा है ठीक है और लोग इस डिस्कशन में पढ़ रहे हैं अच्छा बात यह कि आप क्या इसको चेंज कर सकते हैं क्या कैन यू चेंज दिस सिचुएशन दैट इन राइट नाउ अगर आप चेंज नहीं कर सकते जैसे मैंने स्टीवन कवि की मिसाल दी उसने किताब में लिखा है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और एक <coughs> वो है जो कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर कोई चीज है तो अगर कोई चीज आपके दायरे इख्तियार के अंदर है तो फिर तो आप उसके बारे में फिक्रमंद भी हों और परेशान भी हों और उसको चेंज करने की कोशिश करें एक चीज आपके इख्तियार से बाहर है बस एक आम बंदे की बात करो आम बंदा मौसम आम बंदा का खास बंदा भी मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता इसी तरह से आप या मैं

कोई भी मुसीबत अगर हमारे ऊपर आती है तो उसके आने की दो ही वजुवात हो सकती है या तो वो अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है ठीक है अगर कोई मुसीबत आई है सही या फिर हो सकता है कि वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ऐसी तीसरी तो कोई चीज नहीं बिल्कुल तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना किस मुसीबत, मुसीबत तुम्हारे पे आती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से तो सबसे पहले ना इंसान को एक मुसलमान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपना गिरबान झांके और देखे क्या मुझसे इंफरादी तौर पर या इजमाही तौर पर कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई हुक्मरान ऐसा है जो ालिम है

अगर गलती नजर आ गई है उसको रेक्टिफाई करो सही। उसके बाद क्या करो नेक्स्ट स्टेप वो कहता था कि उसके उसके बाद जो है, जो है है ऑप्रेसर पास जाओ और उससे बात करो और उसको समझाओ कि वो गलत कर रहा है अगर वो बात सुन लेता है ठीक है अगर वो नहीं सुनता तो फिर उसके बाद आप जो भी प्रोटेस्ट है या फोर्स है, या वो है। ये वो इस्तेमाल करते हैं ये मार्टिन लूथर किंग की फिलोसफी है सो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके अपने अंदर क्या है और दूसरी चीज यह कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश भी हो सकती है यकीन हर चीज़ ही आजमाइश ने पूरी दुनिया बनाई आजमाइश के लिए और पहले से बता दिया कि मैं एक्टिविटी कराता को जब भी पब्लिक जगह पे जाते हैं तो वो मैं कहता हूं कि यार डू यू थिंक कि उम्मत के हालात खराब हैं बिल्कुल खराब है उम्मत डाउनफॉल का शिकार है बिल्कुल जी है अच्छा राइट टेन रीजन जो आप समझते हैं टेन बिगे जिसकी वजह से उम्मत आज डाउनफॉल का शिकार है और जब वो लिखते हैं तो दस में से एक भी ये नहीं होता कि ये उम्मत जो ज़वाल का शिकार है वो मेरे जैसे बंदों की वजह से सही नोबडी सेज दैट उलमा ठीक नहीं है हुक्मरान करप्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट है ज़ुल्म है जाति है बिजली का बोरान है ये फलां चीज सब चीजें लेते हैं लेकिन एक दफा भी ये चीज नहीं है कि ये मेरे जैसे लोग हैं यानी ओनिंग द ने

अल्लाह ताला कहते हैं कुल हुआ जान लो ये तुम्हारे अपने अंदर का नतीजा है इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन हैंड्स हालांकि साहबा ने कोई जान पूछी की बिना फरमानी नहीं की थी वो तो एक एकदी गलती थी जो साहबा वहाँ से उधर के आ गए इस गलती को भी यानी कितनी नुकसान का सामना हम तो रात सुबह शाम की बिमाग का सब ये हमारे हाथों का नतीजा है सो बात यह कि हम पोलिटिशन रगड़ेंगे हम कहेंगे ये हो गया वो हो गया और हर बंदा जो एंकर है वो है वो अपनी चमकाएगा कोई भी इशू हो जाए ना चाहे रेप केस हो जाए चाहे कोई भी इशू हो जाए वो अपनी बायसनेस इतनी ज्यादा है शो की मेरी पार्टी को फायदा क्या है मेरी क्या है दूसरे ब्लेम करने पे गुजार देगा नॉट रियलाइजिंग हमने एज एज उम्मा इटसेल्फ और मैं इसको, समझता हूँ कि ये क्यों सोशल मीडिया की वजह से ना ये हमारी हमारा मिजाज हो गया है कि हर चीज को हमने क्रिटिकली देखना है

जी जी अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं हम बजाए के अल्लाह रसूल को फॉलो करने के हमने हर चीज वहां से लेनी हमने अपने मीडिया को खुली आजादी देनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की सोशल मीडिया पे खुली आजादी जो मर्जी जो बोले ऑन दी अदर हैंड रिलीजन हमारी प्रायोरिटी नहीं है हम सुनना ही नहीं पसंद करते जब हम कहें ना कि यार मजहब में ये है वो कहते हैं यार ये मौलविया बातें हैं ये अपने पास क्या है।, हाँ। है ना इन चीजों का जी मजहब से क्या ताल्लुक ये सोच है हमारे एजुकेटेड क्लास की कि इसको तुम अपने पास रखो अल्लाह करो हमें बात करने दो हालांकि सारी बदतमीजियों की जड़ जो है मजहब से दूरी हम वो सोशल रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे जो सूर्य उजरात में जैसे आपने कहा कि भाई उसने जान रखो पेशेंस और ये सारी चीजें कुरान एक मजहब समझ लिया है इस्लाम हमारे लिए हमारे बस यही है मिलाद मना लिया और वो नाते पढ़ तो बस, बस लिया जुमे के दिन शलवार जी ये मजहब है हमारा ठीक है है जुमे के दिन अटेंड कर लेना रोजाना में हमारा हमारा क्या कोई ताल्लुक नहीं है इवन अबू दरदा हो जब साइप्रस को फतेह किया मुसलमानों ने तो वो रोने शुरू हो गए टेक लगा के दीवार से और रो रहे हैं वो लोग कहते हैं कि आज तो साहबा कहते हैं आज तो खुशी के दिन है आप रो क्यों रहे हैं कहते हैं कि साइप्रस यानी पावरफुल एक कॉम है और जंगजू वाली कॉम hmm. है कहते हैं हाउ इनसिग्निफिकेंट अ पर्सन और अ कॉम नेशन बिकम्स इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ अल्लाह सुभान व्हेन दे कमिट सिन मतलब हमने इनको मार दिया और हलाक कर दिया और उमर बिन खत्ताब अपनी आर्मीज को लेटर लिखा करते थे कि द रीजन व्हाई यू विन एंड दे लूज इज बिकॉज़ दे सिन एंड यू डोंट सिन

Uh, तमाम चीजें हम कहते हैं जी मेरे प्राइवेट गुनाह है इससे उम्र तो क्या फर्क पड़ रहा है व्हेन वी सेड ला इलाहा इल्लल्लाह नाउ वी आर कनेक्टेड फिलोसफिकली भी और एज एन उम्मा भी हुँ. जो गुना मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ उसका इफेक्ट فلسطین के लोगों पे हो रहा है हुँ. जो गुना बाहर के मुल्क में हो रहा है उसका असर अब मिसाल देता हूं आपको मैं मुसले सलाम के दौर में कैद पड़ गया और वो कह जो था ब्रीफली आप सबको पता है कि अल्लाह ताला अल्ला से जब बात की और दुआ की और ए जो कर रहा है उसको बोल वो निकल के चला जाए मैं बारिश बरसा दूंगा उसकी वजह से मैंने बारिश को रोक के रखा हुँ, हुँ, है निकल जाए यहाँ से वेन द पर्सन तो उसने वहीं पे ना आंसू बाहे और तौबा कर लिया मुझे माफ कर दे तो आप यकीन लेफ्ट फ्रॉम गैदरिंग नबी मूसा कलीमोला बैठे हैं

वेन ला इला ला तो फिर बच्चे भूखे मर रहे हैं बकरियां मर रही हैं लोग हिजरत मजबूर करने के लिए तैयार बारिश नहीं बरस रही क्योंकि गुनाहों का असर पूरी एक के आता है।, सो जो बढ़ती है ना और जो कोविड आता है और जो मुल्क के हालात खराब होते हैं ये मेरे और आप एक गुना है दिस यार एक चीज बड़ी नोट करने वाली है कि उसने भरे मजमे में हाथ नहीं उठाए होंगे एक पोस्ट शेयर की क्योंकि हुँ. मैं समझता हूँ कि थोड़ी चलें पॉजिटिविटी की भी अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ आए हुँ. एक मिनिस्टर थे मुझे गिल क्या नाम है उनका शहबाज गिल या कौन है जिन्होंने वो डिबेट की टीवी पे आके और मतलब बताया कि जी आप मिस कर रहे हैं हमें और आप दिखा रहे हैं कि लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारी स़ीज़ी बुक्स स़ीज़ी। में आई थिंक इस शहबाज के मैंने उनकी तारीफ कह लें या अप्रीशिएट किया कि यार चलें मजहब की बात कर रहे हैं ये मजहब पसंद लगते हैं और अच्छा डिफेंड किया इन्होंने आके पाकिस्तान की इमेज को अच्छा दैट्स ऑल आई सेड मैंने कोई वो और बात नहीं की आप नीचे जो कमेंट्स थे ये वो पहला कमेंट था जी ये मुनाफे का ये बंदा हाउ कुड यू सपोर्ट अ मुनाफे यानी नीयतों में शक कि ये आके जान के ऐसे कर रहा है क्योंकि इसे पता है इसकी गवर्नमेंट गिरने लगी है तो अब ये लोगों की वो जो मज़हब के जज्बात है वो उजागर कर रहा है इसने कुछ अच्छा नहीं किया दूसरा कमेंट था जी कि ये महंगाई बड़ी हो गई है इन लोगों को गवर्नमेंट नहीं रन करनी आती यानी मैं हैरान था कमेंट्स देख के कि आई एम जस्ट अप्रीशिएटिंग कि यार उस बंदे ने पाकिस्तान को एज ए मतलब कह लें डिफेंड किया

पॉजिटिव बात तो किसी के बारे में भी की जा सकती है ठीक है ना अब नबी करीम ने अबू जहल के लिए दुआ की कि अल्लाह अबू जहल को या उमर खताब में से किसी को दीन की जो है ना समझ दे दे फहम दे दे और उनको यहाँ पे आना नसीब फरमा तो उनको भी पता था कि अबू जहल में भी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि अगर इस्लाम में आ जाए ना तो फिर ये कमाल हो जाएगा तो अगर यानी ऐसी बात है तो फिर हम अगर किसी बंदे की कोई भी पॉजिटिव चीज़ को करते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसकी एक एक बात को परफेक्ट तो कोई भी नहीं यार हर बंदा हम सारे हम सब सबसे गलतियां होती हैं कोताहियां होती हैं गुना हो जनता है बट अगर कोई किसी ने पॉजिटिव स्टेप लिया है इसका यह मतलब नहीं है कि उसका अगला पिछला सारा इंडोर्स हुआ लेकिन जो जो का मॉडल था मॉडल था अल्लाह के दीन में आने के बाद यानी नबी बनने के बाद ये कहा अगर वो आज भी हो ना मैं उसका पार्ट बनूंगा उनको हाँ फार का था जी सो so, हम लोग या तो सब पूरे पूरे सबको बैश करते हैं कि इस बंदे में कुछ अच्छा नहीं है या बिल्कुल सर आप तो ये ना इनफेलेबल है, और भी भी है।, है। अभी न, हम लोगों ने वो जो आ, बात की थी ना बेबी शार्क वाली राइट वो जो अब साहब का वो जो उन्होंने कमेंट दिया था उस परूफान बदतमीजी खड़ा हो गया अच्छा पॉइंट ये था कि मैंने आ, उस पर हम लोगों के आई थिंक एस एन एल में हम बात कर रहे थे तो नहीं उसका छोटा सा क्लिप निकाला था मेरे पेज पे डाल दिया अच्छा उसमें ना हम लोग सिर्फ अप्रप्रिशिएट करते यार जो बात है वो सही है कि वाक़ी में माए एक जमाने में जो है ना वो अल्लाह किया करती थी अब जो है वो बेबी शाह एक सब शूट बन गया तो अच्छी बात है दे शुड गो बैक टू ला, ही ला, ही ला। और ठीक है नर्सरी टाइम्स जो होती हैं या बाकी चीजें जो है ठीक है वो एक स्कूल में चलती रहती हैं लेकिन माँ की गोद जो है ना वो पहली दसगगा होती है अच्छा उसमें भी ना कई लोगों ने बहस किया कि यार इसके अपने करतूत देखेंगे देखें यार जो करतूत जैसे भी हैं ठीक है जो भी है अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आके वो एक बात रेस है वो बात ठीक है और वो उस प्लेटफॉर्म पे करता है जहां पे इट मैटर्स तो अच्छी बात है होना चाहिए हम किसी को भी कभी भी यानी ब्लैंक चेक किसी को भी नहीं देते कि जी तो इसके पास ब्लैंक चेक है यानी अब अब्दुल्ला मसूद करते थे कि अगर तुमने फॉलो करना है फिर हमें ना करो जो जिंदा है फॉलो उनको करो जो गुजर चुके हैं उनकी बिगिनिंग और एंड आपको पता है कि उनका खात्मा जो है वो ईमान पे हुआ या नहीं हुआ तो उनको फॉलो करो हम जो जब साहबा की बात भी करें जो हम जिंदा है एनी बडी कैन मेक मिस्टेक्स सो मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करो फॉलो दोज पीपल वो एफ पास तो अगर हम अपने यानी देखते हैं कि कोई बंदा एक अच्छी बात कर रहा है कोई बंदा एक पॉजिटिव चीज लेके आ रहा है तो जरूरी नहीं है यानी थोड़ा सा उस मोमेंट को एंजॉय कर लो क्या हाँ अच्छी बात होगी थैंक यू वेरी मच बाकी जो उसका आगे पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा है कोई ये नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल ये सारे इसके प, जो ना गुना माफ है ऐसी बात है वो उसका और अल्लाह का मामला है लेकिन जहां पे कोई भी खैर की बात किसी के मुंह से भी निकला है भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काफी नहीं बोल देता है सही बात यानी कभी ऐसा होता है कि किसी ने जो ना इस्लाम की तारीफ कर दी कोई कोई ऐसी मतलब ऐसी बात कह दी कि इस्लाम इज अमेजिंग या ही टॉक्स वेल अबाउट द प्रॉफिट सलम तो हम उनको ये नहीं कहते कि नहीं ये तो चूंकि काफिर है इसके अगले पिछले वासीज ने जो है ना इतनी बातें पहले की अगर वो एक बात कह रहा है उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट किया जा सके देखें ना इस्लामोफोबिया का इशू आप ले लें उस पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके स्पीच दी और जो एक्शंस नजर आए अपेरेंट एक्शंस जो नजर आए वो एप्रिशिएटिव थे मतलब आई लाइकड इट बट उस पे अगेन नीयत पे शक عوام की नहीं जी ये तो इसकी गवर्नमेंट जा रही है अभी गवर्नमेंट बचाने के लिए कर रहे हैं अंदर से तो यहूदियों के एजेंट है मतलब वट नॉन किस तरह की बातें ये आपको अल्लाह से डर लगना चाहिए कि आपने अल्लाह को जवाब देना है और वही बात है भाई कि क्या आप नॉन मुस्लिम को जब अप्रिशिएट कर सकते हैं रसूल आपने कहा इल्फल फजूल से क्या साबित होते हैं कि अगर नॉन मुस्लिम भी जस्टिस की बात कर रहा है और कोई अच्छा स्टैंड ले रहा है तो फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी यू सपोर्ट दैम

वाटर स्केस्टी है तुम्हारे पास पानी की कम कमी है तुम्हारा कुछ साल पहले हम याद है कि पानी कम तो है, में जिसे हालात है। तो तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है वाले और मैं सॉरी यहाँ एक बात ऐड कर दूँ गुनाहों की आपने बात की ना तो शिरक अल्लाह को सबसे जो नामीदा तरीन जो अमल है शिरक और तोद जब सॉलिड होगी ना एक नेशन की तो आई बिलीव कि उससे रिस्क खुलता है खैर भी बहुत बनती है खैर बहुत बनती है अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट इफ़ यू सी अकीदे की कमजोरी किस किस तरह के अकायद बने हुए अल्लाह के बजाय लोगों पर रिलाई किया जा रहा है और फिर जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने है मुझे ज़्यादा बयान करने की जरूरत नहीं अभी अजीब भाई आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जो एक बंदा है वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज करते करते वो डांस कर रहा है मतलब आप में से I'm sure, हमारे ने भी वो वीडियो भी, भी देखा ही और ढोल झोल बज रहा है या क्या हो रहा है कुछ शादी का फंक्शन लग रहा है और वो नमाज पढ़ते पढ़ते ना वो डांस कर रहा है ठीक है अच्छा देखें जो अली भाई ने बात की ना कि हमारे यहाँ पे लोगों की जहात का आलम यह है कि इंसान शिरक में भी मुब्तला है इंसान जो है उस किस्म की हरकतें भी कर रहा है अब ये दीन की बेहरमती नहीं है तो और क्या है और ये मैं बताऊं दीन की बहुरमती सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक हिस्सा का एक्शन कर दिया हम लोग वैसे तो वो लोग हैं जो कि कुरान मजीद को जो है ना वो चूम लेते हैं और हम उसको शेल्फ पे डाल देते हैं लेकिन मुझे बताएं इसी कुरान के साथ हम कितना मजाक करते हैं मजाक इन देंस दे कुरान के अहकाम हैं जिनकी हम आए दिन धजिया उड़ाते रहते हैं अल्लाह ताला जो अजाब अल्लाह का आता है अल्लाह की पनिशमेंट आती है वो कभी इनफरादी तौर पर भी आ जाती है जैसे भी आपने एग्जांपल दी सुरानु की और इज्तमी तौर पर भी आ जाती है अब देखिये आदमी से भी गलती हुई थी ना छोटी सी क्या गलती हुई थी उनको अल्लाह तक

कुछ टाइम बाद एक नेक शख्स गुजरा और अल्लाह की मैंने कहा कि मुस्तरी व मुस्तरमिन हो कि दिस पर्सन हैज फाउंड रिलीव्ड ही हैज रिलीव्ड और इससे रिलीफ मिला है गुनागार से रिलीफ मिला है और जो नेक है उसको रिलीफ मिला है सब मल मुस्तरी आपने कहा कि जो शख्स नेक था ना, उसको इस दुनिया की टॉर्चर्स, मुश्किल से निजात मिल गया वो अल्लाह की जन्नतों में चला गया hmm. और जो से गुनागार था दुनिया वालों को उससे निजात मिली hmm. 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 क्यूं? है hmm. हम बड़ा होते हैं जी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है जी बच्चे कम करें बच्चे दो ही अच्छे हालांकि रिपोर्ट है कि इस दुनिया में थ्री टाइम्स दी जाए इसका खजाना मौजूद है

Hmm. इसको रिस्क दिया नहीं जाता उसको रोक लिया जाता बिकॉज़ अ सिंगल सिन सिन ही यानी सिंगल की वजह से रिस्क रोक लिया जा रहा है हम तो सुबह शाम गुनाह हैं और सिर्फ गुनाह नहीं पब्लिकली गुनाह कर रहे हैं मुजाहिरून मेरी तमाम उम्मत माफ कर दी जाएगीट करते हैं hmm. वो लोग जो हम कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं हम नाच गा रहे हैं बिल बोर्ड पे क्या चल रहा है और हम ये देखते सिर्फ रिस्क नहीं

जैसे आपने कहा ना ये तो प्रोपोगेशन तो भी है और फिर ये होमोसेक् का भी है सारा कहाँ कहाँ हम अल्लाह त और सबसे बुनियादी जो गुना दो मुझ मेरे जहन में फौरन आते हैं एक झूठ और एक इनजस्टिस आपने इनजस्टिस की बात की ना

हम नाप तोड़ में कमी करते हैं ठीक है जिना आम मौजूद है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं एक बड़ी हदीस में अल्लाह के अभी ने ना चार लोगों को चीज़ बताया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए आफ़ियत का सवाल करता हूँ और कहा कि जब तुम अल्लाह और उसके रसूल से वादा किया हुआ वा, को तोड़ोगे ना फिर अल्लाह तुम्हारे पे ऐसे अजाब मुसलत करेगा यानी उनमें से कुफार का वो भी है और ये पेट्रोल वगैरह सब कुछ है तो तुम कहीं रहोगे और वो अल्लाह से किया हुआ वादा क्या है

या अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है या उनको ओल्ड एज होम में फेंक के आ गया और उनका बिल्कुल ख्याल नहीं करता रिगार्ड नहीं करता या बहन भाइयों के बीच में झगड़े हुए हैं विरासत के मसलों के ऊपर झगड़े हुए हैं आपके फॉर एग्जाम्पल पप्पो के साथ मसला हुआ हुआ है मामू के साथ हुआ हुआ है चाचा के साथ हुआ है दो सगे भाई जो हैं वो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मैरिज प्रपोजल दैट डिडंट वर्क आउट वो ज्यादा था कि जी इसकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो जाए वो नहीं हुआ तो बात छोड़ दी कथा ताल्लुकी हो गई ये सारा कुछ हो रहा है हमारे माशरे में और हमें कहते हैं ना नाक पे मक्खी भी नहीं बैठती कि जी हमें कोई तकलीफ हुई है इसके ऊपर हम कहते हैं भाई सही है जो कुछ हो रहा है ही डिजर्व और हमने तार्लुक काटे में फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्क में भी फरवानी हो जाए हमारे और साथ साथ जो है ना मना नाजल हो आसमानों से और हमारी उम्र लंबी हो जाए तो कैसे हो और ये जो आपने अभी हवाला दिया था थोड़ी देर पहले आ, देखें ये जो फितन है ना इसके बारे में नबी करीम की साहब ने फरमाया कि टाइम आएगा जब ये जो फितना ना तुम्हारे ऊपर ऐसा है कि होगा या सुबह उठेगा तो काफिर होगा तो हो रात को मोमिन होगा और एक इंसान जो है ना छोटे से अमाउंट के पीछे अपना दीन बेच डालेगा हु। अब देखें कि क्या आज ऐसा नहीं हो रहा यानी सहाबा के लिए कितनी अजीब बात होगी कि ये कैसे हो सकता है यार बंदा सुबह उठे वो मोमिन हो

आज कोई बंदा दीन के ऊपर चलना चाहता है सारे उसको उल्टा क्रिटिसाइज कर so का काम करना हो और कितने मैसेजेस आते हैं मैं खुद आपको कि कि जी फॉर एग्जांपल कोई सिस्टर कहती है जी मैंने हिजाब किया है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे मैंने हाब किया है मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे एक लड़का कहता है मैं मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे रोक रहे हैं ऐसे हो रहे वैसे हो रहे आखिर क्यों हो रहा है मतलब एक तो है ना कि आप चलो खुद नहीं कर रहे ठीक है फिर ना एक है आप लोगों को भी रोक रहे हो अच्छाई करने से हालांकि आप लोगों को अच्छाई से रोकने में कौन सा आपके ऊपर मतलब कौन सा टैक्स लगा हुआ है आप पे कि आपको कहा जा रहा है इसको आपने रोकने ही रोकने नहीं। नहीं। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं यानी अमर बिल मारूफ के बजाय ना वो मुनकर की तरफ लोगों को दावत दी जा रही है अजीब मामला ये ना मुसलमान है मतलब <coughs> वो कि ये मुसलमान है जिन्हें देख देखे शर्मा कि माँ अपनी बेटी को हिजाब से रोक रही है तुझे रिश्ता नहीं मिलेगा हालांकि उसको पता है कि ये रब है रिश्ते करवाने वाला ये नहीं। नहीं। रब है सब चीजें बाप अपने बेटे को दाढ़ी से रोक रहा है और मस्जिद से रोक रहा रहे हाँ। कि अगर इसका ये ये मौलवी हो गया तो दुनिया नहीं पाएगा उनको ना दुनिया जाते हुए नजर आ रही होती है हालांकि इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट कि अगर तुम तो अल्लाह की अत्याद करोगे रसूल की अत्याद करोगे तो हम पैसे को बना लिया है पैसा हमें जहाँ जाते हुए नजर आया ना हालांकि वो हो बेशक मतलब दीन के मुताबिक वो आएगा यहाँ पे लेकिन सिंस वो एफर्ट उससे नजर नहीं आ रही ईमान ही कमजोरी है ना अल्लाह क्या हदीस में आता है कि यबुन आदम

जेंडर राइट्स की बात हो रही है और जेंडर क्राइसिस का लोग शिकार है कि मैं मर्द हूँ ये हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुने थे, नहीं। थे तो ये टाइम ऐसा आ रहा है इवन अभी जो, की जो आ रही कि हम इमेजिन नहीं कर सकते बात है कि इसमें अगर हमने अपने आपने किबला किया ना तो हमें बड़ी बुरी मार पड़ने वाली है ना उसको अल्लाह में फरमाता हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती तो वही चीज है कि मतलब तो हर बंदे को कॉन्शियस होने की जरूरत है अपने बारे में सोचने की जरूरत ये रियलाइज करना कि देखो ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है ना सबसे पहली बात ये हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, इसमें हमारे करतूत का बहुत बड़ा अमल दखल है ठीक है तो यानी कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ चलिए आप इनफराती तौर तो पर ना भी माने अपनी गलती को आप कलेक्टिवली मानने की यार हालात खराब है तो चलो यार बाकी अगर तोबा नहीं करें तो आप उनकी भी तोबा हाँ कर ठीक हो जाता हूँ हम लोग चाहते नहीं सारे बदल जाए मैं नहीं बदल बदलना चाहता इवन mm. हमें एक दुआ मिले तुम्हारी लाजमी कबूल होगी अगर लीडर ठीक हो गए ना तो ये सब ठीक हो जाएगा लेकिन बात यह कि एक शख्स जो चाहता है मैं ठीक हूं लेकिन पूरी उम्मत खराब है यार स्टार्ट विद फर्स्ट है नहीं। नहीं। तो अपने आप से तो शुरू करें और एक से दो दो से चार और ऐसा बनते जाएंगे जैसे मदीना की रियासत में नहीं वो इस तरह बनता जाएगा और बात यह कि अगर फॉर एग्जाम्पल उम्मत ठीक ना भी हुई और आप हक पे थे और कोई अजाब आता और सबको हला कर देता है क्योंकि जब अजाब आता है फिर वो नेक और बुरे को नहीं देखता वो सबको हला करता है आपका क्या मत में निजात है कि जब इन इमामेदी जब अपना ऐलान करेंगे तो एक लश्कर आएगा जो कि मक्का में बिल्कुल प्लेन लैंड में आ रहा होगा अल्लाह तुम अवल हो वह आखिर उनको सब गेगा अब उसमें कि रसुल्ला उसमें तो मतलब ऐसे भी लोग होंगे जो कि बीच में यानी बाजार थे उनके वो दुकानें थी उनकी और वो मलाद कर रहे थे वो भी चले जाएंगे तो अलमी ने कहा कि वो अपने इंटेंशन पे उठाए जाएंगे यानी आप अगर आप जब अजाब आए तो गर्क हो गए आप

आप कौन होते हैं चेंज लाने वाले ठीक है ना आपने तो एफर्ट ही करना है बाकी अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला आपके एफर्ट को कबूल लेता है और उसके बदले में कोई चेंज आ जाता है क्योंकि उस कौम की हालत नहीं बदलता। जब तक वो अपनी हालत नहीं तो मतलब ये बदलता हालत अल्लाह ही है अल्लाह फरमा उस वक्त तक नहीं बदलता बदलनी मैंने ही है लेकिन पहले तुम अपने करतूत ठीक करो ना फिर तुम्हारी हालत बदलता हूँ क्योंकि चेंज अल्लाह ही लेके आएगा लेकिन हमने क्या करना है और ये जो एफर्ट का सबसे पहली जो चीज है ना वो इस्तफार है और आप देखिए वो आ, इमाम अहमद अमित का बड़ा खूबसूरत वाक्य है एक दिन वो सुबह उठे फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ के ना उनको ऐसी फीलिंग आई कि मैं ना अपने घोड़े पे सवार होता हूँ और निकल जाता हूँ तो वो घोड़े पे बैठे और ऐसी he never did that. ये उनकी आदत नहीं थी कि सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद घोड़े पे बैठ कर निकल पड़े और ये भी नहीं पता कहां जा रहे बस वो जिस तरह कभी मोटरसाइकिल निकल जाते पहुंचे हुए तो वो बस उनको

तो वो जब वहां अंदर जाने के लिए गए तो आगे से जो मस्जिद का खादिम होता है वो बाहर आके उसने जो है ना रोला डाल दिया उसने कहा कि नहीं जी नहीं अभी तो टाइम ही नहीं है अभी आप बाहर वेट करेंगे वो राम तो साहब ने उसको बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई मैं उसने पहचाना नहीं कि ये माम है इतने बड़े इमाम है तो उसने कहा जी नहीं आप जो है ना आप बुजुर्ग जी ऐसे नहीं हो सकता आप अभी बाहर वेट करें तो अभी बातचीत चल रही थी तो एक बंदा वहां से गुजरा उसने कहा क्या हो गया यार क्यों इनको तंग कर रहे हो बाबा जी को तो उसने कहा जी देखें ये अभी मस्जिद खुली नहीं है ये पहले से ही अंदर आना चाह रहे हैं और कह रहे हैं मैंने पढ़ा उनका बाबा जी आप इनको छोड़े आप मेरे साथ आए तो वो शख्स जो है वो इमाम अहमद अमदल को अपनी दुकान पर ले गया दुकान क्या थी उसका तंदूर था और तंदूर पे अब उसने कहा कि जी मैं चलें, आ, मैं अभी जो ना रोटी छोटी लगाता हूं उतनी देर आ, आप वो खाएं उतनी देर जोर का टाइम हो जाएगा तो फिर हम नमाज पढ़ लेंगे तो अब इमाम साहब उसको देख रहे हैं वो रोटियां लगा रहे है तंदूर में अब जब रोटियां जो लगा रहे हैं ना तो वो कुछ ना उसका मुंह हिल रहा है जुबान चल रही है उसकी तो इमाम साहब ने वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ ये क्या जिक्र कर रहे हैं आप उसने कहा कि जी ये मैं इस्तार कर रहा हूँ एक नहीं है, बहुत सारे है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी जोर की नमाज का वक्त आएगा ना तो इस तंदूर पर रश लगा होगा हालांकि भी रोटियां हो सकता है किसी की मुझसे बेहतर भी हूँ लेकिन मेरी दुकान पर बहुत रश लगता है अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली है तो मुझे एक तो इस का क्या फायदा हुआ है मेरे रिस्क में फायदा मैंने इस की है अल्लाह तला ने मेरे रिस्क में फरवानी दे दी तो उन्हें कहा कि और कोई फायदा हुआ कहते हैं और ये कि मैं अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल करता है hmm. मैं जो मांगता हूँ ना अल्लाह ताला कबूल कर देता है क्यों इसफार की वजह से मैं हर वक्त अल्लाह से माफी मांगता रहता हूँ अल्लाह कोई गलती हो गई हो जानबूझ के होगी हो गलती से हो गई हो चोरी छुपे कर दी हो खुल्लम खुल्ला कर दी हो कोई सगीरा कर दी हो कबीरा कर दियो या मुझे माफ़ hmm. कर दे मैं हर वक्त माफिया मांगता रहता हूँ बस अल्लाह तला से तो कहते हैं कि मेरी जो है ना हर दुआ कबूल हो जाती है कहते हैं बस एक ही दुआ कबूल नहीं हुई कहते हैं वो क्या वो कौन सी दुआ है कहते हैं कि आपने सुना होगा एक बहुत बड़े इमाम है हमारे इलाके में कहीं दूर शवक, जो है ना दूर दराज रहते हैं इमाम अहमद अहमद हम्बल तो इमाम साहब थोड़ा हो गया ये क्या बात कहते हैं आपने नाम सुना उनका हाँ सुना तो है है कहते हैं बस मैं 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 इमाम तो तो और नमाज पढ़ के निकला हूं ना मुझे नहीं पता मैं क्यों निकला लगता है ने मुझे इमाम साहब खुद तेरे पास आएंगे क्यों तुम्हारी इस्तिग़फार की वजह से सो इस्तिग़फार जो है ना इसको आपने अंडर वैल्यू नहीं करना इस्तिग़फार बहुत बड़ी चीज है आप जो इस्तिग़फार करने वाला है जैसे सोहनू की आपने आते बताई अल्लाह फरमाता है मैं यानी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खजानों के दरवाजे खोल देगा ना सिर्फ कि अल्लाह तुम्हारी तोबा कबूल फमाएगा तुम्हें गुनाहों को माफ करेगा ताला तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा ताला तुमसे मोहब्बत करने अल्लाह तो युबहरी तुम्हारे रिस्क में ताकि टेंशन है तुम ले रहे हो ना बार बार की जी पेट्रोल इतने का हो गया फ्लाएं इतने का हो गया सिर्फ इंसान अपनी इनफरादी तौर पर देखे और अल्लाह तरमाते हैं सूरा तलाक में ना कि यानी वो मैं यद तखिल्ला जल् मखरा हो में नहीं सोला सिर्फ जो भी अल्लाह का तकवा करता है गुनाहों को छोड़ देता है अल्लाह के रास्ते पर आ जाते हैं तरफ है, मैं फरमाऊंगा कहां से उसको मुसीबतों से भी निकालूंगा जिनमें वो फंसा हुआ है और रिस्क दूंगा वहां से से जहां उसने सोचा सोच भी नहीं सो so, चलो अभी कलेक्टिव की आप बात छोड़ो पेट्रोल उधर ही जिधर है लेट सपोज ठीक है <laughs> जहां पे भी, भी पहुंच गया उधर ही पहुंचा गया उसे भी ऊपर जा रहा है अगर आप इस्तगफार करने वाले बन जाए ना और अल्लाह के रास्ते पे आ जाए अल्लाह ताला वादा करता है ये मेरा वादा नहीं है दो नंबर किस्म का फ्रॉड वादा ये अल्लाह का वादा है हैुरानी मजीद में अल्लाह फरमा रहा है तू तकवा वाला बन तुझे मुसीबतों से मैं निकालूंगा तुझे रिस्क में मैं उधर से रिस्क दूंगा जहां से तूने सोचा भी नहीं, नहीं, नहीं होगा आपको लगता नहीं मेरा रिस्क जो है ना वो मेरी जॉब से आ सकता है एक दो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया यहाँ से आ जाएगा और मे भी शायद ये कोई मेरे कोई यानी वो रसा जो है ना आगे कोई है जो फोतोने वाले शायद दिल से थोड़ा सा आ जाए आपने ये चार बार कैलकुलेशन की किया नहीं तेरी कैलकुलेशन में वो चीज है ही नहीं मैं जहां से दूंगा ना वो सोर्स तूने सोची भी नहीं हुई अभी तक तेरे वह गुमान में भी नहीं है क्यों क्योंकि तू इस्तार करने वाला है तू गुनाहों से तौबा करने वाला है देखो गुना सारे करते हैं ठीक एवरी बडी मेक्स दिस इज द प्रॉफिट मिस्टेस के सारे आदम जो है ना खताकार है। लेकिन अच्छा खताकार कौन सा होता है जो तोभा 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 कर है। है। तो फिर अगर ये छोटा सा फॉर्मूला है मैंने इतनी बड़ी लंबी चोड़ी को बात ही नहीं तोड़ी 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 है छोटी सी बात है एक की चीज को अपनी <coughs> लाइफ में लेके आए फिर देखें सी द कोट एंड कोट मैजिक यहाँ मैं भी एक चीज ऐड कर दू एक मेरी वीडियो भी है बल्कि पिछले दिनों ना मैं एक वर्कशॉप गया गाड़ी चेक कराने तो वहां वर्कशॉप वाला मुझे पहचान लिया और उसने कहा सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी उसमें मैंने ना बात की एक मिसकनसेप्शन का जो है मैंने वो दूर की लोगों की मेरे पास एक यंगस्टर है उसने कहा कि मैं नमाजें पढ़ता था दुआ करता था तो जॉब ही नहीं लगी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो अब मैंने नमाजें छोड़ दी दुआ करनी जो है मैंने छोड़ दी तो मैंने उसे कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारा कि नमाजें और दुआ करके जॉब लग जाएगी शायद लग जाए शायद ना लगे तो अगर ये कॉन्सेप्ट है नमाजों का और दुआ का तो इसके मुताबिक तो गरीब आदमी तो इथहिस्ट होना चाहिए उस बेचारे के पास तो दो वक्त का खाना नसीब नहीं है जो फुटपाथ पे सो रहा है तो क्या मतलब वो नमाजें ही ना पढ़े वो इबादत ही ना करे अल्लाह की तो ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी देखी हुई थी उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई नो मैटर हालात के जैसे यूथ अक्सर कहती है ना जी कि हम कहाँ से नमाजें पढ़े तीन तीन तो शिफ्टें लगा रहे हैं सही मतलब महंगाई इतनी है सुबह फिर दोपहर फिर रात तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं नमाजें पढ़ने का इस तरह भी लोग आए हमारे पास कि जी हम तो थक गए हम तो सरवाइव कर रहे हैं तो भाई क्या मतलब है अगर हालात खराब है आप थक गए आप सरवाइव कर गए तो सबसे पहले आपने नमाज कॉम्प्रोमाइज करनी सबसे पहले आपने अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज करना ये आपका पहला रिएक्शन है मुसीबत आने पर जबकि में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और कहते हैं कुलु मिनस साबरीन यानी जुल्किफ का जिक्र किया इस्माइल अलैहि इस्लाम का जिक्र किया सब का और फिर सूरह हज किया है कि लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की वर्शिप करते हैं एज इफ गुड दे आर कंटेंट जैसे ही कोई मुसीबत आई उस बंदे ने जो मजे की बात थी ना वो ये थी मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया <laughs> और उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट देखा की मैं अगर कभी कस्टमर आया उसे छोड़ के नमाज पढ़ने जाऊ तो मेरे कस्टमर्स बढ़ गए और पता नहीं कहाँ से बढ़े हैं कैसे आ रहे हैं उसने मुझे कहा ये देखें ये वेट्स गाड़ी ये पानी में गिर गई थी आ, पता नहीं किसी उसमें नहर में गिर गई थी जिसमें कहता है टोटली खत्म हो गई थी और वो बंदा हालांकि वर्कशॉप की लाइंस है उस जगह लेकिन वो बंदा समहा मेरे पास आए

हर किस्म की तकलीफ से जो आपकी फिक्र है वरीज है उनको वह यर्स को वहाँ वहां से आपको रिस्क देगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होता जा जा हमारे शेख बता रहे थे कि कहते मुझे बंदा मिला वो कहता है कि शेख पता है आपको ये जो मेरी गाड़ी है ना ये फ़ारी गाड़ी है कैसे <laughs> कहते हैं कि शेख मैं मैंने ये हदीस पढ़ी मैंने ये इमाम अहमद रमलर का वाक्य सुना और कहते हैं उसके मेरे हालात बहुत टाइट थे और मेरी बेरोज़ गाड़ी कोई नहीं थी कहते हैं शेख मैंने मैंने कहा अल्लाह मुझे तेरे पे तबाह कर लिया और कहते हैं मैं बैठ गया मस्जिद में और मैंने इस्तवार करना शुरू कर दिया और मैं हर नमाज के बाद और पहले अल्लाह से सिर्फ अस्तफर करता रहता था कहते हैं शेख आप यकीन जाने मेरे पास एक बंदा आया मस्जिद में मस्जिद में या बाहर कहीं उसने मुझे चाबी दी और कहा ये आपकी गाड़ी है ये खड़ी है और चाबी ली और कहा मैं आता हूँ वो चला गया

ये मतलब मजबूर नहीं है कि आप जो है नीयत देखता है जी ये, ये बंदा सिंसियरली मेरे पास आता और भी कि है और रिपेंटेंस इज बिहेवियर अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा ना तब तक आपकी ठीक नहीं है आप हजार तस्वीर फिर इसफुल्ला की आप गर्लफ्रेंड को टेक्सटिंग करना नहीं रहे आप आंसू मतलब बहाले सही, सही रमजान में रातों को क्या मुलैल में लेकिन आप फिर भी उठ के उससे बात कर रहे हैं आप सूदी जॉब नहीं छोड़े आप झूठ बोलना नहीं छोड़े ये झूठे की है बिन कहते हैं ये झूठे की है कि है जो शख्स अपना बिहेवियर चेंज कर लेना और फिर आ जाए दिस इज अभी आपने आजमाइश की भी बात की थी अगर इस एंगल से देखें मतलब एक परस्पेक्टिव दे रहा हूँ आ, अभी महंगाई बहुत हुई है एक आजमाइश समझ लें इसको तो क्या अमीर जो लोग हैं उन्हें नहीं मदद करनी चाहिए हो रहा ठीक है हुकूमत का काम भी है प्राइमरी उनका ही है क्या इट्स नॉट हाई टाइम कि हम जक़ात को सीरियस लें जक़ात देना शुरू करें बहुत से लोग हैं जकआत ही नहीं देते दे जैसे टैक्स हो जाता है बस ठीक है यही रिपोर्ट आई है कि इलाम मस्क अगर अपनी निकाले दुनिया में पॉवर्टी खत्म हो जाएगी एग्जैक्टली इलोन मस्क उसने उसने उसका जवाब भी दिया <laughs> <laughs> उसने कहा कि मुझे उसने कुछ ना क्योंकि ये यूएन ने कहा था ना कि अगर इलोन मस्क जो है ये अपना पता नहीं कितना टू परसेंट तो परसें, सिर्फ टू तो परसेंट तो परसें निकाल दे तो हाँ, ये जो है ना वर्ल्ड हंगर प्रॉब्लम जो है ना खत्म हो सकता है तो उसने कहा कि मैं यूएन को चैलेंज करता हूँ कि अगर वो

और ये टू परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट जिकात निकालता अपने माल पे सही बात है तो दुनिया में पॉवर्टी खत्म होती इत, है यानी इस्लाम जो एक आपको फाइनेंशियल जो मॉडल है हमारा हाँ। जो इतना कमाल का है फाइनेंशियल सोल्यूशन है बेसिकली और हमारे मुसलमान ही इलामा छोड़े आप हमारे मुसलमान ही जक़ात निकालना शुरू कर दें और हकदार तक पहुंचना शुरू हो जाए तो उसको ये पेट्रोल की टेंशन नहीं होगी मसला है कि हम दीन मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक हैं साहब बहुत माशाशियल नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह फिर रिया में आ जाएगा मैंने उनका स्टेटस देखा पिछले दिनों ही सेट के आज कल महंगाई बहुत है तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है मुझे मैसेज करे मैं उसे पैसे दूंगा अगर उसको फैमिली को कुछ चाहिए सो कांटेक्ट मी प्लीज डू नॉट बी शायद फील भाई आप तो कुछ करें ना तो चले ठीक है, तो अच्छा, है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये लाइफ में ना होना तो फिर इंसान बहुत उदास रहता है डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि आप हर चीज को नेगेटिवली देखे अच्छा तीन किसम के हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको आ सकते हैं जब आप कहते हो यार ये नहीं हो सकता बस महंगाई आ गई वो मर गए जी तबाह हो गए रोज के बर्बाद हो गए ये ये एटीट्यूड है और मतलब वो पहले सी बंदा जो है ना जैसे वो हेनरी फोर्ड कहता था ना वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट you're राइट right. तो आपने पहले ही सोच लिया कि यार मुझे तो होगा नहीं मैं तो कामयाब होना ही नहीं तो मतलब आपने पहले की आप कर लिया आपने हार मान दिया

अच्छी बात है आप ये आपके इनशाला फर्स्ट आऊंगा इनशाला मेरी जॉब लगी लेकिन यार आपके साथ एक हजार बंदे ने अप्लाई किया हुआ है hmm. जिस जॉब को आप ट्राई कर रहे हैं बंदा कोई इम्तिहान दे रहा है कोई कुछ कर रहा है उस चीज लिए हजार बंदे ने अप्लाई किया है hmm. तो वट मेक्स यू थिंक सो स्पेशल की जी आपने बाकी मेहनत नहीं की बाकी ने तैयारी नहीं की द पॉइंट इज के विशुअल थिंकिंग ये कि आप कहते हो मुझे ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी ठीक है हालांकि आप खुदा नहीं हो ठीक है कि जी आपको कि जी जो मैं चाहूंगा वो होगा और ना ही कायनात जो है ना वो आपके यानी खिदमत में लगी हुई है अगर खिदमत में होना होता तो क्या नबी करीम के लिए ना जो है ना कायनात बिछ जाती यानी जहां पे वो ताइफ पे जाते हैं दावत दीन देते हैं एक बंदा जो है इस्लाम को भूल नहीं करता क्या आप नहीं चाहते थे कि वो क्या आप फोकस नहीं थे इस बात पर कि ये सारे इस्लाम ले आए क्या आप अपनी फैमिली के बारे में फोकस नहीं थे हालांकि अल्लाह तारा हैं आप उसको हजाजत नहीं दे सकते जिसको आप चाहते अल्लाह हो जाती वरना अबू लहब इस्लाम कबूल कर लेता उसकी बीवी इस्लाम कबूल कर लेती लेकिन अल्लाह ताजिल कर आया तब बतब आप चाहते थे अबू जहल इस्लाम कबूल कर ले उसने भी उसने भी नहीं सब किया सो दिंग आपकी चाहत नहीं होगी जिंदगी में जो आप चाहते हो कि जी वो ये हो जाए वो हो जाए फला हो जाए इसकी कीमत ऊपर हो जाए इसके नीचे हो जाए आपकी नहीं चाहत चलेगी अल्लाह की मर्जी चलेगी

कोई बात नहीं यार कदर कदर अल्लाह माशा यार कोई बात नहीं हुआ तो क्या यानी अल्लाह की मर्जी चलेगी अब अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी से बेहतर है आपने कहीं पे अप्लाई किया रिश्ते के लिए नहीं हुआ कोई बात नहीं यार लेट्स ट्राई अगेन नो प्रॉब्लम अल्लाह ताला की मर्जी होगी लोग बेचारे ना गम में बेचारे वो डिप्रेशन में चले आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे पास तो कैसे जाते हैं टाइम या फिर एक बंदे ने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था बड़ी मेहनत की नहीं हुआ

कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को उसकी कैपेसिटी से ऊपर टेस्ट नहीं करता ला नफ्सन इल्ला उ तो अल्लाह को पता है कि आप हैंडल कर सकते हो आपने पता क्या किया है आप पहली बॉल पे बीट हो ना तो आपने ना पिच छोड़ के भाग गए आप हालांकि यू शुड कीप प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ यू हैव टू कीप प्लेइंग यू डोंट जस्ट गिव अप बिकॉज समथिंग हैपेंड देखो ये जो कर, आउट मैंने कहा था ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है ना महंगाई हो गई फला हो गया कोई वायरस आ गया कोई ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है जस्ट की <coughs> और कहो कि अल्लाह मैं सबर के साथ इस तकामत के साथ अपने दिन पर कायम रहूंगा अपर अल्लाह इट ऑलरेडी आपको कभी यह वादा नहीं किया गया कुरान मजीद में, कि जी, दुनिया को अल्लाह ने जन्नत बना दिया अब यहाँ पे तुम अयशिया करो एंजॉय करो क्योंकि कोई गम नहीं होगा hmm. दुनिया में गम भी होंगे फियर भी होगा लॉस ऑफ लाइफ भी होगी लॉस ऑफ वेल्थ भी होगी जब गेम खेलते रहो एंडस्ट अपने होना भी नहीं है मैंने वैसे चले जाना है ठीक है तो ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर एक सुकून आ जाता है कि आप कहते तो यार सही है मतलब जो भी है मैंने सुख चैन के साथ जिंदगी गुजारनी है जो भी मेरे तरफ हालात और वाकत हो रहे हैं मैंने इनके अंदर ना यानी मेरे लिए कोई भी आजमाइश अजाब तब बनेगी जब उस आजमाइश के अंदर मैं अल्लाह से दूर हो जाऊँ तब वो जहा बन गई जो बातें आप कर रहे हैं ना ये लोगों पे एक नेगेटिविटी आती है ना जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपकी तो उसको वो वेंट आउट करते हैं

और ये कैसी लाइफ गुजारी <coughs> हो गया तो मैंने कहा, चलो चले जाते हैं मैं बैठा ऐसे वहाँ पे मैंने काफी देर मैंने गुजारी मैं, गुजा मैं सोचा था जब भी कोई डॉक्टर था कोई प्रोफेसर था कोई नब्बे साल उसने किया और पे लिखा था कि और एक मैंने लड़की देखी उसका नाम नहीं, नहीं अनम था क्या नाम था उसकी बर्थ हुई अराउंड नाइनटीज में and death was in 2007 something 27 years of age hmm. मैंने कैलकुलेट किया कि 27 इयर्स की लड़की मर गई सब इसमें बच्चे भी थे hmm. बड़े भी थे मैंने कहा यार इन लोगों ने लाइफ गुजारी किसी के 50 लेखे थे किसी के 60 और बहुत मैंने हज, मैंने हजारों कपड़े देखी सो so आई रियलाइज्ड किया सुभान अल्लाह अब इनको क्या चीज बेनिफिट पहुंचा रही है hmm. यहां पे जो ये रह रहे हैं अच्छा है कुछ लोग ना शहादत है कुछ लोग पुराने भी थे कुछ लोग दो हजार,

फेक बादशाह हैं आप तो असल बादशाह हैं हम तो इमाम आप बेखुदाना बने याद फखर मैं सरदार हूँ अलाउ करें कि हम एक मैट ला दें आपके लिए हम एक बिस्तर ला दें आप क्या, क्या कहा मैं अली वल दुनिया मेरा क्या ताल्लुक है दुनिया के साथ मेरा और दुनिया का आपक्शन क्या है जैसे एक 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 बंदा चला कुछ देर के लिए रेस्ट किया और फिर चल दिया hmm. यानी कुन फिर दुनिया करने का गरीब एंड व्हेन वी थिंक यानी सुबह दे वर सो एलाइन विद देयर पर्पस हम so, लोग okay. भूल चुके हैं हमें ना yes. दुनिया ने वाला दिस दुनिया एंड right. दिस कल्ब, ये कल्ब जो है ना ये बड़ा जल्दी अपने अपने रवैये फेरता है इसीलिए डेथ को वो कहा गया ना आप जिस चीज़ की भाग रहे हो ना ये खत्म हो जाएगा और आप फिर जब कबरों में चले जाओगे तो फिर वही हदीस में इस तरह आता कबर की मिट्टी है जो पेट भरेगी बिकॉज थिंकिंग ऑटोमेटिकली द रियलिटी सो कुछ भी नहीं है बस वैसे ही मर जाना तो पहले इंसान बजाय इन चीज़ों के पीछे भाग रहे अमाल इकट्ठे किए जाएं, अपना रवैये को दुरुस्त किया जाए वो जो एक प्रोपर मुसलमान का जो रवैया होना चाहिए जो उसका किरदार होना चाहिए उसकी तरफ मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैंने तो पैसे तो लेके जाने नहीं कहीं पर भी मैंने तो अपने अमाल लेके जाने और हो सकता है दुनिया में आप बहुत गरीब हो हो सकता है दुनिया में आप बिल्कुल फक्र फाके की हालत में हो लेकिन आप एक मुसलमान थे, आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे तो अल्लाह ताला की है की ना बारगाह में आपका क्या आप ना मकाम पे फायज हो जाए आपको क्या पता और हो सकता है कोई बंदा मल्टी बिलियन हो और वो जो है वो जहन्नम की पिट्स जो है ना बैठा जल रहा हो बिल्कुल टूटी थी और यार और 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 वो डॉक्टर प्रोफेसर कहा दिस कुड बी सक्सेसफुल पर्सन ये ज, ये फिर ही होगा। और ये होगा शायद में एंड आई मेड कुछ पे तो का भी लिखे थे मुझे छोटी सी बात थी पैसा ज्यादा होना

बट वट आई कैन डू इज़ के अवाम उन्नास और मैं एज एन इंडिविजुअल क्या करूँ और अवाम क्या करे गवर्नमेंट को अल्लाह जो है हिदायत भी दे और जाहिर है कि बेहतरी भी आए इन श्ला हम दुआ करते हैं सबसे पहले एलिट क्लास के लिए क्या लेसन है पॉजिटिव पॉजिटिविटी की अगर बात करें कि मी माई सेल्फ एंड आई से निकल के वो ये सोचें कि नाउ इज़ द टाइम कि वो और की कुछ मदद करें शायद अल्लाह की तरफ से मैसेज है उन्हें जक़ात दें इन चीज़ों का ख्याल रखें मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जो तबका है उनके लिए शायद ये लेसन है कि तुम लोग ये जो आपने बात की ना ख्वाहिशात को कम करो क्योंकि महंगाई हो रही है तो ये छोड़ दो ये जो तनख्वाह इतनी है लेकिन आईफोन लेना है ठीक है और ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है तो अपनी ख्वाहिशात को कम करो आई थिंक दे शुड लर्न दिस फ्राम ऑल दिस सिनेरियो तीसरा जो है वो पुअर क्लास जो है हमारी अल्लाह उन पर रहम करे उनके लिए दुआ है पेशेंस है सबर है।, है और ज़्यादा एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ सुबह शाम के असकार में जिसका ये हिस्सा अल्लाउ बिका मिनलक़री वफ़री व उजबिका नजाबल था ये पूरी दुआ है ये बहुत ज्यादा उन लोगों को पढ़नी चाहिए अल्लाह के नबी ने भी फ़कर्र से जो है वो पनाह मांगी और इसतफार करना चाहिए और दुआ अल्लाह से मांगे अल्लाह सुबह त मांगे और लास्टली जो स्टूडेंट तबका वो क्या करे कि लीडरशिप के बारे में सोचे खुद कि हमारे कंट्री में इतनी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कैसे खत्म होंगे वो इंटेलेक्चुअल तबका है हमारा और वो आए कम फॉरवर्ड हो लेकिन अल्लाह की अतात करके इस्लाम का ताज पहन के ला 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 ताज़ पहन के फिर वो जो है अपनी थिंकिंग नाउ वट कैन आई डू टू मेक थिंग्स बेटर ये बात को तो आप कोई

फला जगह पे ही ट्रेवल्ड ऑल द वे उस्ताद के पास गया और उस्ताद ने कहा कि क्या द सीरियसनेस कहा कि ठीक है कल यहाँ पे आ जाना वो आ गया अब उस्ताद वहाँ पे मौजूद थे पहले सी वर सेट बोले उनके हाथ में था और वो साथ खड़े हुए उनके हाथ में एक पट्टी है वो लड़का कहता है जी सर कहता है ये पट्टी मेरे आँखों में बांधो और आँखों में बांधी और उसने जोर से ना मतलब पट्टी आंखों बांधी नाव और टारगेट की तरफ शूट किया एरो पाए जब और उन्होंने पट्टी उतारी और बेटे से कहा कि सीखा है सीखने की इसमें क्या बात थी तो कहता है बेटा फर्स्ट लेसन जेंटलमैन यू केवर हेट यूर टारगेट अनलेस यू सी एट ठीक है चाहे तुम एक्सपर्ट ही बन जाओ ना यू केवर हिट योर टारगेट अनलेस एन यू सी एट तो बात यह है कि जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं hmm. और जो टीम ये

कि मैं उनसे एक स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ बस और कि के, मेरे जन में रहा है भाई के जिस अल्लाह शॉर्ट मतलब जिस अल्लाह ये जिंदगी बनाई है और उसी के सारे चैलेंजेस भी आते हैं और सारी आजमाइशें आती हैं उसी अल्लाह ने वो आपको आमाल भी बता दिए वो चीजें भी बता दी जिनसे आप उनको उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं तो महंगाई की सिंस बात हो रही है रिस्क की बात हो रही है तो ताला ने वो चीजें भी बता दी जिनसे रिस्क में इजाफा हो चुका है कुछ चीज़ें हमने मेंशन भी कर ली हैं दो चीजें जो मेरे सामने लिखी हुई है वो एक तो सिला रहमी है और शीला रमी को हम ये समझ लेते हैं कि शायद रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक वगैरह कायम करना हालांकि इसका जो ट्रू एसेंस है वो ये है कि जो आपके साथ काटता है उसके काट तो साथ बना। आप उसके साथ जोड़ें इट्स वेरी डिफिकल्ट मतलब वट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है जो आपके साथ आपको इग्नोर कर रहा है आपके साथ तो तोड़ना चाह रहा है आप उसके साथ जोड़ें तो ये जहाँ और बहुत सारे फ़वाद हैं इस चीज़ के उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो अल्लाह के यहाँ है वो रिस्क में फ्रावानी और उम्र में बरकत भी है और दूसरी चीज़ है हेल्पिंग अदर्स उट ऑफ दूसरे लोगों हुँ. की मदद करना अपने मुसलमान बहन भाई ऑफ द वे जाकर इसके बारे में ये आता है वेरी ब्रीफली कि जो बंदा ऐसे करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के अफेयर में उसकी मदद करने में लग जाता है तो थिंक अबाउट इट फॉर अट कि जिस बंदे के अफेयर में अल्लाह ताला मदद के लिए लग जाए हुँ. जो कि कंट्रोलर है खुद uh, हर चीज देने के लिए तो उस फिर उस बनने के कैसे हाँ, सुबहान बहुत खूबसूरत <laughs> बात आप लोगों ने की अच्छा मुझे ना एक दो बातें ग्रेव यार्ड में देख रहा था कुछ कब्रें मुझे ऐसी नजर आईं जो कि मैचिंग कब्रें थी बिल्कुल मैचिंग और बिल्कुल एक ही अंदाज में डिजाइन है और बहुत लगता था कि उस पर पैसा लगा हुआ है क्योंकि बहुत लविशली उनको डिजाइन किया गया था हालांकि जो उनके अंदर अगर हस्बैंड वाइफ हैं या भाई हैं दो या जो भी हैं उनकी वफात की तारीख में ना दस दस पंद्रह पंद्रह साल का फर्क था लेकिन मैं सोच रहा था कि किसी ने बकायदा तौर पर मेहनत की और सोचा कि नहीं इनकी प्लेसमेंट इस तरह होनी चाहिए कि पहले आपको पता है यहाँ पे सी के अंदर प्लॉट लेना यानी कबरों के प्लॉट लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया ठीक है इन्होंने बकायदा पेमेंट करके ना वो रिजर्व करवा लिया होगा किस तरह कर लेते हैं और फिर मैचिंग कबरों का डिजाइन करवाना ये वो हालांकि उस कबरों के डिजाइन से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है ठीक है हम इवन लोगों के मरने पे भी ना मटीरियलिज्म नहीं भूलते exactly. हम लोगों के मरने पे भी ना शो मारना चाहते हैं हम exactly. कहते हैं नहीं यार वो मरा भी है ना तो यार उसकी कबर देखिए मरहूम की कबर की क्या शान है यार वो मरहूम अंदर जो अंदर पड़ा हुआ है कोई उससे भी पूछ ले कि तेरे ऊपर क्या गुजर रही है इस वक्त वो जो जो सारी जिंदगी उसने गुजारी है वो किस लिए गुजारी है वो तो यानी वो तो लानत भेज रहा होता है सारों के ऊपर आपको पता है वो जो हदीस में आता है ना कि एक बंदा जिसको कब्रिस्तान ले जाया जा रहा होता है जो फासिक और फाजर था वो लानत हो तुम सारों के ऊपर किधर मुझे लेके जा रहे हो लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं आ रही होती तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि यार फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर नॉट ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर ये जो चीजें ना ये शोखिया शोखियां करना ये वो ये चीजें जो है ना सब रह जाती हैं असल चीज क्या है असल चीज़ वो है कि जो आपके अमाल आपके साथ जा रहे हैं अच्छा इसी तरह से मुझे एक और चीज याद आ रही थी कि हम लोग माशाल्लाह माशा तारा ने वाईसी को बहुत ग्रोथ दी है यूथ क्लब माशाल्लाह बहुत ग्रो किया है और मुझे याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो कितने हम्बल बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया था अभी हम कल ही बात कर रहे थे इसके बारे में कि जब हम लोग राइड लेके वापस आ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यू नो मुझे याद है कि कराची की सड़कों पर एफेक्स में घूमना सुजुकी एफेक्स में बगैर ए वाली गाड़ी के पीक ऑफ समर में ठीक है और विदाउट हैविंग इवन आई मतलब ब्राव में ना ऐसे बल भी नहीं पड़ा कि अलमदुल्ला यार अल्लाह ताला के दीन के लिए जो भी हम कर रहे हैं खुआारी कर रहे हैं ठीक है फिर हमने वो दौर भी देखा कि अल्लाह तला ने बहुत अता फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे लिए जरिए खोले अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की और ऐसे इस जगह से की कि वाकई में खुदा की कसम हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसे ऐसे लोग यूथ क्लब के मिशन के साथ जुड़े हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया बहुत हेल्प किया अल्लाह ताला उन सबको सब खैर दे लेकिन आज भी मैं ये फील करता हूँ कि अल्हमदुल्ला अल्लाह ताला हमें इस पे कायम रखे हम सब कुछ पे कायम रखे कि नो मैटर स्टॉप मैं जब सारा कुछ छोड़ छाड़ के दुबई से आया भी था ना तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा था मैंने कहा कि देखो हम लोग ना ये सारा काम शाम छोड़ के ना मैं ये सारा जो भी जॉब शॉब है सब पैकअप करके वापस जा रहा हूँ विद दिस मिशन के आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ फॉर इस्लाम आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ फॉर दिस दीन तो हो सकता है इस रास्ते में जो है ना कोई रुकावटें आए कोई परेशानी आए हो सकता है हमारा किचन सफर करे हो सकता है कि हमारी वो जो जो एक्सपेंडिचर्स थे पूरी दुनिया में ट्रैवल करना और ये और वो लग्जोरियस लाइफ स्टाइल उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो शी मी दैट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आई विद यू डोंट वरी जो भी होगा ना मैं आपके साथ हूँ चाहे हम लिटली अल्फाज ये थे चाहे हम अगर सड़कों पर भी आ जाए ना तो मैं आपके साथ हूँ डोंट वरी द पॉइंट इज के वी हैव सीन दैट पाथ एज वेल वी हैव सीन दैट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल जहां पे बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने यूथ क्लब को फॉर्म किया डिफिकल्टीज थी कभी मस्जिदों में सो रहे हैं कभी जो है ना वो जो है फार में जाके मंजियों पे जा मंजियों पे जाके मंजियों के साथ सो रहे हैं ठीक है आ, तो ये वाला मामला भी है जिसको बेड कहते हैं इंग्लिश में ये <laughs> <है> हमारा अंडर का जॉब ठीक है ना सही टॉक बात है ठीक है सो द थिंग इज के यानी वो दौर भी देखा और अभी भी मैं समझता हूं कि हमें ना हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए अल्लाह ताला अता फरमा दे ये अल्लाह का बहुत करम है माल आ जाए अल्लाह का बहुत करम है पेट्रोल की प्राइस नीचे हो जाए अल्लाह का बहुत करम है अल्लाह ताला हमारे लिए रेस में फरवानी करते अल्लाह का बहुत करम है लेकिन अगर नहीं भी होता आपका बिहेवियर जो है ना वो धीरे रहना चाहिए जो आपकी बात है बल्कि इजाफा हो जाना चाहिए।, चाहिए कि अल्लाह शायद मेरी कोई गलती होगी जिसकी वजह से ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने आप को हम्बल रखे अल्लाह ताला पैसा दे दे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देता सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल के अंदर मोहब्बत माल की नहीं होनी चाहिए यानी बताते हैं वो लोग जो नाफरमान है ना उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है नहीं। माल की मोहब्बत है वो माल के पीछे पागल हो रहे हैं दीवाने हो रहे हैं हालांकि ईमान वालों के बारे में आता है वल्लना आमन अशदु हब्बल्ला जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शिदत होते हैं चाहे सदनास्मान इबन जैसे वो बहुत मालदार हैं लेकिन दिल में पैसा नहीं है हाथ में पैसा है वो पैसा अल्लाह के किला में रख भी रहा है अब्दुलरमानब जैसे साहबी हैं जिनके हाथ में पैसा है और वो अभी अगर होते बाद लोगों ने कैलकुलेट किया वो मल्टी ट्रिलियनर होता उन्होंने ये बिल गेट्स और ये जो है ना मार्ग जगह को अपना खाते में रखा होता कि पुत्र तू तो साइड पे आना पैसे पकड़ और काम कर लेकिन ये वो लोग थे जिनके हाथ में माल ही माल था लेकिन दिल में नहीं था अल्लाह की इबादत करने वाले लोग थे और कभी भी उन्होंने ये फील नहीं किया कि जी हम इतने कोई गनी हो गए कि जी अब हमें अल्लाह की जरूरत ही नहीं है कि जी हम तो अब अब हम तो नमाज ही छोड़ रहे हैं। नहीं देवर इवन मोर यानी अल्लाह के और शुक्रगुजार होते गए और झुकते गए और झुकते गए अल्लाह के आगे ये असल एटीट्यूड है और आखिरी बात जो ब्रदर मोहम्मद अली ने भी नसीहत की अमीर लोगों के लिए देखिए बात यह कि जहाँ पे अल्लाह की राम खर्च करने की बात आती है ना तो अगर हमारे हालात मुश्किल हैं और कीमतें बढ़ गई हैं और हालात ऐसे हो गए तो अगर आपको लगता है कि जी उन लोगों पे आजमाइश आई हुई है जो गरीब है यकीन है उन पे आजमाइश है अगर वो पेट्रोल महंगा हो गया या हालात खराब हो रहे हैं तो उन पे आजमाइश है बहुत बड़ी आजमाइश है लेकिन आजमाइश उस पे भी है जिसके पास पैसा है और जिसको पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता नहीं। उस पर आजमाइश है कि जब अल्लाह के बंदे सफर कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या कर रहा था वट अल्लाह उनसे पूछेगा कि ठीक है ठीक है फाइन ये बंदे तो आजमाइश में थे ही थे लेकिन तुम उस टाइम पे क्या कर रहे थे तो असल सवाल यह है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं हर बंदे को सोचना चाहिए अल्लाह ताला हम सबसे हमारी जो भी छोटी मोटी टूटी पोटी कोशिशें हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए अल्लाह ताला हमारा ही जो भी इवेंट्स ऑफ चेंज टूर आ रहा है उसमें हमें भरपूर अता फरमाए इंशाल्लाह हम लोग डिफरेंट स्कूल्स को कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे और आप लोग हमें देखते हैं, हैं इंशाल्लाह वी टू मीट यूज